महाभारत। इतनी सुंदर पुत्र वधुएं पाने पर हार्दिक बधाई माते। एक माँ का प्यार भरा स्वागत। ये अंबा हैं, ये अंबिका और ये अंबालिका और ये इनकी दासी। क्या मैं एक विनती कर सकती हूँ राजमाता? केवल माँ कहो अंबा। परंतु मेरी विनती तो राजमाता से है। आज्ञा है। परमवीर गंगापुत्र भीष्म के आने से पहले ही मैं मन ही मन शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी थी राजमाता। तो तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं राजकुमारी? भय गंगापुत्र, आपका भय। तब तो विचित्र वीर का विवाह अंबा से नहीं हो सकता माते। तुमने ठीक कहा भीष्म। तुम निश्चिंत रहो राजकुमारी, तुम्हें आदर के साथ शाल भिजवाने का प्रबंध किया जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है अंबा। राजमाता। चली सुरक्षित सैन्य से हर्षित कन्या रत्न, प्रिय दर्शन की आस में देखे सुंदर स्वप्न। ये जीवन भी गंगा पुत्र का ही दिया हुआ है और अब अंबा को भी दे दिया। अंबे, हम अपने पहले पुत्र का नाम देवव्रत ही रखेंगे। अवश्य आर्य पुत्र। पता है, जब मैंने राजमाता सत्यवती से कहा कि गंगापुत्र भीष्म के आने से पहले ही मैं शाल्व नरेश को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, तो गंगापुत्र कांप उठे और मैं उसी वक्त समझ गई कि अब हमारे मिलन को कोई नहीं रोक सकता। राजकुमारी जी, अब आप शाल्व की सीमा में प्रवेश कर रही हैं। भीष्म से कह देना हम हारी हुई वस्तु दान में स्वीकार नहीं करते, और उनसे यह भी कह देना कि राजकुमारी को यहां भेजकर उन्होंने हमारा अपमान किया है। जब गंगापुत्र भीष्म को पता चला कि मैं आपसे प्यार करती हूं, तो उन्होंने स्वयं मुझे आपके पास भेज दिया। भीष्म ने हम सबको हराकर तुम्हें जीता है। नियमानुसार तुम उसी के हो, यही क्षत्रिय धर्म है। शाल्व नरेश ये न भूले कि वो मेरे स्वयंवर में पधारे थे। परंपरानुसार वरमाला मेरे हाथ में थी और मेरा पति वही होगा जिसे मैं चुनूंगी। मैं कोई राज्य नहीं हूं जो लड़ाई में जीती या हारी जा सकूं या फिर दान में दी जा सकूं। गंगापुत्र भीष्म के आने से पहले ही मैं शाल्व नरेश को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। हम इस मान के लिए आपके आभारी हैं राजकुमारी, परंतु आपको भीष्म के पास वापस जाना ही होगा। उन्होंने आपको यहां भेजकर केवल मेरा ही नहीं, आपका भी अपमान किया है। राजकुमारी को अंदर आने दिया जाए। हस्तिनापुर नरेश की जय हो। मैं न्याय मांगने आई हूं महाराज। तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा राजकुमारी। महाराज, गंगापुत्र भीष्म ने सारे राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों को हराकर मुझे जीत लिया था, परंतु मैं शाल्व नरेश को पहले ही अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। इसीलिए आपकी आज्ञा के अनुसार मुझे शाल्व नरेश के पास भेज दिया गया, परंतु शाल्व नरेश ने दान में मिली हुई अंबा को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। हस्तिनापुर की सेनाएं राजकुमारी के अपमान का बदला लेने के लिए शीघ्र ही शाल्व की ओर प्रस्थान करेंगी। पर शाल्व नरेश ने क्या किया है महाराज? जो हस्तिनापुर की सेनाएं
उधर प्रस्थान करेंगी। मैं अपमानित हुई हूँ गंगा पुत्र भीष्म के कारण। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? राधा भीष्म तो किसी का अपमान कर ही नहीं सकते। मैं किसी और के विषय में बात नहीं कर रही हूँ महाराज, मैं अपने विषय में बात कर रही हूँ। अपमान मेरा हुआ है, इसलिए मैं ही बता सकती हूँ कि मेरा अपमान किसने किया है। मेरा अपमान किया है गंगा पुत्र भीष्म ने, नहीं ये मुझे शाल नरेश के पास भेजते और ना ही मेरा इतना बड़ा अपमान होता। इसलिए गंगा पुत्र भीष्म को आदेश हो कि ये अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। महाराज की जय हो, परंतु मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ महाराज, मैं विवाह कर ही नहीं सकता। विवाह नहीं कर सकते तो काशी से यहाँ लाए क्यों? मैंने तो काशी दरबार में ये घोषणा कर दी थी कि मैं केवल हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरा हरण ऐसे समय में किया गया था महाराज, जब मेरे हाथ में वरमाला थी। मेरी बहनों ने आपको स्वीकार किया, परंतु मैं आपको स्वीकार नहीं करती। अब मैं वो माला गंगा पुत्र भीष्म के गले में डालना चाहती हूँ। यह संभव नहीं है देवी। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मैंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है। घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से डरना सीखो गंगा पुत्र। तुम वचनबद्ध हो, इसलिए मेरे अपमान के घाव पर मान का फाया नहीं लगा सकते। तो आज इसी कुरुराज दरबार में हस्तनापुर नरेश को साक्षी मानते हुए मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध होती हूँ। गंगा पुत्र भीष्म, मैं तुम्हें अपने अपमान के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जन पर जन क्यों न लेने पड़े। तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर मैं अपने इस अपमान का बदला अवश्य लूंगी। क्रुद्ध सर्पिणी बन गई सुंदर उपवन बेल, दोष किसी का क्या भला, भाग्य खिलाए खेल।